दौर के बारे में सुना होगा, इंदिरा गांधी के दौर के बारे में सुना होगा। आज भी शरीयत मुताहरा पर अंगुष्ठ नमाई हो रही है। अभी 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 वसीम रिजवी जो शिया है, इसने कुरान पे अंगुष्ठ नमाई की कि कुरान की 16 जने से 26 आयतों को चेंज कर दिया, यानी कुरान से हटा दिया है। अल्लाह माज अल्लाह नाउज़ बिल्ला। देखिए किस किस तरीके से अपने आप को मुसलमान कहने वाले खुद कुरान को मिटाने की बात कर रहे हैं, जबकि रब्बे कायनात ने खुद उसका जो है वादा किया है कि कुरान का कुरान जो है मेरे जिम्मे है, मैं इसकी हिफाजत करता हूँ। उस आयत के आयत करीमा का मफहूम है। कुल मिलाकर बताने का मकसद ये है कि आज शरीयत मुताहरा पर अंगुष्ठ नमाई हो रही है। बहुत ही तरह 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 जो है तरीके से जो हमला आवर हो रहे हैं, बद मजहब लोग क्यों इसकी वजह क्या है? हमने शरीयत मुताहरा को छोड़ दिया, हम शरीयत मुताहरा के पाबंद ना रहे। यही वजह है कि आज शरीयत मुताहरा को मिटाने की कोशिश की जा रही है। हद ये नहीं रही कि आज कुरान और मिटाने की विवाद सामने आ गया। तो मुफ्ती आजम हिंद के दौर में भी शरीयत मुताहरा पर अंगुष्ठ नमाई हुई थी। आपने सुना होगा कि नसबंदी का दौर चला था, लेकिन मुफ्ती आजम हिंद ने क्या कहा? जब वो फतवा बदलवाने आई इंदिरा गांधी हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के पास के हुजूर फतवे को चेंज कर दे, नसबंदी को हराम नहीं बल्कि जायज करार दे दे, तो हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने क्या कहा था? ये शेर मुलाहिज़ा फरमाए और मचल के बोल दे सुभान अल्लाह। पहन कर रेशमी कपड़े अदाकारी नहीं करते, उस हुकूमत से कहा था पहन कर रेशमी कपड़े अदाकारी नहीं करते, हम अपनी मुफलिसी के साथ गद्दारी नहीं करते। पहन कर रेशमी कपड़े अदाकारी नहीं करते, हम अपनी मुफलिसी के साथ गद्दारी नहीं करते। कहा था मुफ्ती आजम ने हुकूमत में उन गुंडों से, रजा वाले कभी मतलबों को सरकारी नहीं करते। रजा वाले और कह दिया जा हुकूमत तो बदल सकती है, रजा का फतवा नहीं बदल सकता। तारीख गवाह है, आज तक उसकी हुकूमत ना आई बड़े लिए, आज तक उसकी हुकूमत ना आई। खैर बताने का मकसद ये था कि हमने आज शरीयत मुताहरा को छोड़ दिया, शरीयत मुताहरा को छोड़ दिया। यही वजह है कि आज शरीयत मुताहरा पर बद मजहब लोग और दूसरी कौमों के लोग जो हमला बोलते नजर आते हैं। ये हमारी खुद की ईमान की कमजोरी है, वरना उधर 72 थे और 22,000 का लश्कर, चीटी हाथी के सामने चीटी भी नहीं थी लेकिन जीत गए। आज हम 40 करोड़ मुसलमान, उसके बावजूद दबे लचे हैं। इसकी वजह क्या? हमारा ईमान कमजोर हो गया। हद तो ये है, हमारे सीनों से ईमान निकल गया। हमने नमाज की पाबंदी करना छोड़ दी, हमने नमाज के रोजों को नमाज और रोजा को जो है तर्क करना शुरू कर दिया, हमने उनको छोड़ना शुरू कर दिया, हमने शरीयत मुताहरा को पीठ पीछे छोड़ दिया, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल और फ़ैल को जो है उनको तर्क करना शुरू कर दिया, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को छोड़ दिया, नक्शे पा को छोड़ दिया, हदीस करीमा पर अमल करना छोड़ दिया, सुन्नतों पर अमल करना छोड़ दिया। हद तो ये है, खुद रब कायनात के जो है हमने रॉन्ग टर्न किया है। आज भी हो इब्राहिम सा जो ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। शायर कहता है जिधर जिधर भी गए वो करम ही करते गए,
जिधर जिधर भी गए वो करम ही करते गए, जिधर जिधर भी गए वो करम ही करते गए, किसी ने मांगा ना मांगा वो झोली भरते गए। ज़हमत रसूल पाक की हर शय आम है, फूलों पे हर शजर पे मोहम्मद का नाम है। आज हमने शरीयत मुताहरा को छोड़ दिया, नमाज